खबर है उत्तराखंड के देहरादून से, जहां पर देहरादून में चुनावी मौसम करीब आते ही उत्तराखंड की जनता का महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पेट्रोल, डीजल, गैस आदि मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच सत्ता हथियाने का खेल शुरू हो गया है। नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देने की घोषणा से बौखलाए आम आदमी पार्टी ने बिजली का मुद्दा अपने हाथ से जाते देख सियासत शुरू कर दी है, जिस पर उत्तराखंड में मुफ्त बिजली पर गरमाने लगी सियासत। आम आदमी पार्टी ने किया मुख्यमंत्री आवास पर कूच, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आवास से पहले रोका, हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जनता को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने और बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग पर उत्तराखंड में सियासत हो गई तेज। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। आज घेराव किया है, क्या कुछ कहना है? देखिए, ऐसा है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हजारों की संख्या में आज सीएम आवास पूछ किया है और सीएम आवास का घेराव किया है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर को कम से कम 300 यूनिट बिजली प्रति माह मुफ्त मिलनी चाहिए। और उसकी वजह ये है कि उत्तराखंड, जिसे हम ऊर्जा प्रदेश के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड जहाँ 13 परियोजनाएं बिजली की चल रही हैं, उत्तराखंड जहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा बांध है जो कि हजारों मेगावाट बिजली उत्पादित करता है, जिससे और प्रदेशों को दी जाती है, दिल्ली जैसे प्रदेशों को दी जाती है, और दिल्ली अपने वासियों को मुफ्त बिजली मुहैया कराता है। तो आम आदमी पार्टी ने आज ये मांग की है कि 300 यूनिट प्रति व्यक्ति को बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए। और आम आदमी पार्टी की योजनाओं से डरकर घबराकर बीजेपी ने जो 100 यूनिट देने का जो लॉलीपॉप घोषणा की है, वो सिर्फ एक घोषणा मात्र है। बीजेपी को अब ये लगने लगा है कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है और वो आम आदमी पार्टी की योजनाओं से डरकर, प्रभावित होकर, उन्हें चुरा करके अपनी सत्ता साख को बचाने का काम कर रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी जनता का हित चाहती है। आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि 300 यूनिट प्रत्येक व्यक्ति को मिलनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की यदि सरकार बनती है तो प्रत्येक व्यक्ति को 300 यूनिट प्रति माह बिजली दी जाएगी। आज प्रोटेस्ट हुआ है, क्या कुछ कहना है आज को लेकर? देखिए, आज उत्तराखंड के आम नागरिकों ने आम आदमी पार्टी के आह्वान पर मुख्यमंत्री आवास कूच किया। पूछिए क्यों? उत्तराखंडियों ने सैकड़ों डैम, दर्जनों डैम उत्तराखंड की छाती पे बने हुए हैं। हमने अपने गांव, अपने खेत खलियान, अपने जंगल, अपनी सारी आबादी डैमों के लिए कुर्बान कर दी। हमने जंगल बचाए हुए हैं। तो आम आदमी का, उत्तराखंडियों का अधिकार है कि हमको निशुल्क बिजली और निशुल्क पानी मिले। हम हजारों किलो मेगावाट विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं। सरकार को समझ में नहीं आया, लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने हल्ला किया तो कह रहे हैं मंत्री जी हम 100 यूनिट भी देंगे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं ऐसा तो कोई प्रस्ताव ही नहीं है। तो सरकार ही दोगुनी बात कर रही है, यानी जुमला कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जो कूच किया, सरकार को ये बताया कि तुम्हारे पास 6 महीने का समय है, अच्छे काम कर लो। आम आदमी पार्टी के मॉडल को तो तुम कॉपी कर ही रहे हो, तो इसको ग्राउंड पे उतार दो, इसका श्रेय ले जा लो। वरना अब जब आम आदमी पार्टी सरकार में आएगी तो हम जरूर निशुल्क बिजली देंगे, जो उत्तराखंडियों का अधिकार है, जिन्होंने डैम के लिए, जंगल बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया है। कर्नल साहब, आज तक आप देश के लिए लड़े, आपके शरीर में अभी तक 2 बुलेट है, आज आप जेल जा रहे हैं जनता की लड़ाई के लिए, आप कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? देखो, 27 साल मैंने इंडियन आर्मी में नौकरी करी है, उसमें मेरे को बहुत अच्छे अच्छे मौके मिले हैं। जैसे आपने बोला, 2 गोलियां, 17 आतंकवादी मारना, अवार्ड मिलना, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के एंटर इलाके में घुसना, सर्जिकल ऑपरेशन करना, सियाचिन ग्लेशियर में लोगों को रेस्क्यू करना, ये सब तो करा है। तो मैं तो ना आज इस गाड़ी में बैठ करके ये सोच रहा हूँ कि आज तक हम अपनी मातृभूमि के लिए लड़े हैं, आज टाइम आ गया है हमें अपनी देवभूमि के लिए लड़ना चाहिए। और देवभूमि उत्तराखंड के लिए लड़ने के लिए हम अपना सर्वोच्च बलिदान देने को तैयार है। सारी टीम हमारे साथ में है जो हमारे को फॉलो करती है, उनके विचार, उनकी समझ को लेकर के हमारा जोश बढ़ता है। आज हमारा हौसला इतना ज़्यादा बढ़ा है, जब हमने देखा चाहे सबने हमें धक्के मारे, लेकिन वो ना प्यार वाले धक्के थे, ऐसे ही धक्के हमने आगे मारने हैं ताकि जो गलत काम हो रखे उन्हें ठीक करके साइड में कैसे करें।